पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कमलनाथ ने कहा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। अब नाथ के पुण्यतिथि को जन्मदिन बताने वाले बयान को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन पर तंज कसा है। पटेल ने कहा कि नाथ मानसिक रोगी है, कांग्रेस हाईकमान को उनका उपचार करवाना चाहिए। एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को उनका जन्मदिन बताना यह तो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। जरूर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है और इसीलिए हम कांग्रेस हाईकमान से विनम्र विनती करते हैं कि उनका इलाज कराएं और यदि वो नहीं करवा सकते तो हम पूर्व मुख्यमंत्री का इलाज करवाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि थी लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनको जयंती बता रहे हैं, शुभ दिन बता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अभी इलाज की आवश्यकता है और इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से अपील करता हूं कि उनका इलाज कराएं और अगर वो नहीं करा सकते तो हम उनको इलाज कराने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से भी आग्रह करता हूं कि कमलनाथ जी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।